हेलो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज सत्येंद्र रावत और आज मैं आपके बीच एक और नए स्ट्रक्चर के साथ आया हूँ जो कि कुछ इस तरीके से है, प्रायर टू। जी हाँ, सही सुना आपने, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है प्रायर टू। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा, अगर आपको नहीं यूज़ करना आता है प्रायर टू को अपनी इंग्लिश में, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, दोनों में ही इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और भी ब्यूटीफाई बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ साथ और इस चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले मैंने जो डिस्कस किया आपसे, आज हम सीखने वाले हैं प्रायर टू को। क्या? प्रायर टू, जिसकी हिंदी मैंने कुछ इस तरीके से रखी हुई है, से पहले। वैसे तो हम से पहले के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं बिफोर। बिफोर एक प्रेपोजिशन है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे उसी के सिमिलर, एकदम मिलता जुलता हूबहू प्रायर टू को लेके आया हूँ, लेकिन इसकी कंडीशन कुछ डिफरेंट है, ओके, एज कम्पेयर टू दिस बिफोर, ओके। तो चलिए चलते हैं, हम पहले अपने स्ट्रक्चर को देखते हैं कि प्रायर टू हम कैसे रख सकते हैं अपने किसी भी सेंटेंस के अंदर, जब भी बात आएगी से पहले। बट कंडीशंस को जानने से पहले हम देखेंगे हमारे इस स्ट्रक्चर को, जो कि कुछ इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। एनी सेंटेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। एनी सेंटेंस प्लस प्रायर टू, जो कि मेन यहाँ पे आप सीख रहे हो, यानी मेनली व्हाट आई एम टीचिंग यू दैट इज प्रायर टू प्लस नाउन और जेरेंड। नाउन या जेरेंड में से आप किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउन की बात हो रही हो तो नाउन का यूज कर लो, अगर जेरेंड की सिचुएशन बन रही है तो जेरेंड का यूज कर लो। जेरेंड अगर नहीं समझ में आ रहा है, मोटे तौर से हम देखेंगे, जेरेंड को हम वी वन आई एन जी फॉर्म बोलते हैं, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग, इसके साथ भी आई एन जी लगा हुआ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिविंग, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी पुट किया है और उसको हमने एक जेरेंड फॉर्म की सिचुएशन दी है। तो चलिए इसकी मीनिंग देखते हैं। मीनिंग कुछ इस तरीके से है, कहता है बिफोर समथिंग हैपेंड, किसी चीज के होने से पहले, यानी किसी चीज के घटित होने से पहले, या मैं दूसरी कंडीशन में कहूँ, ये तो हमारी पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन या दूसरी मीनिंग जो निकल कर आती है जिसमें हम प्रायर टू को रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बिफोर। बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम और इवेंट, किसी खास समय से पहले या इवेंट से पहले। समझ में आ गया होगा, कोई किसी चीज़ के होने से पहले, यानी बिफोर समथिंग हैपेंड या बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम और इवेंट, ओके। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स आर देयर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू थ्रू 5 एग्जांपल्स वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस फर्स्ट वन, दैट इज ओके। आई हैड मेट हिम प्रायर टू द मीटिंग, मैं उससे मीटिंग से पहले मिल चुका था। आपने ये देखिए, मैंने बोला ना एनी सेंटेंस, आई हैड मेट हिम, मैं उससे मिल चुका था प्रायर टू द मीटिंग, मीटिंग से पहले। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था ना, बिफोर अ पर्टिकुलर टर्म और इवेंट, ठीक है, या समथिंग हैप बिफोर समथिंग हैपेंड, किसी चीज़ के होने से पहले, यानी बिफोर मीटिंग वाली सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। प्रायर टू यानी कि मीटिंग से पहले मैं उससे मिल चुका था। आपने पास्ट परफेक्ट का तो टेंस कर ही होगा, वही वाला टेंस ये है। पास्ट परफेक्ट हमेशा हैड को लेके चलता है, वो अपने साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म भी लेता है। चलिए दूसरे वाले में देखते हैं कि मैंने कैसे फ्रेम किया है।
प्रायर टू को, जी हाँ प्रायर टू, ओके। तो यहां पे देखते हैं, मैंने बोला रानी शुड कंप्लीट हर होमवर्क, रानी को अपना होमवर्क गृह कार्य कंप्लीट कर लेना चाहिए प्रायर टू वॉचिंग टीवी, टीवी देखने से पहले, ठीक है। तो मैं जैसा कि आपको पहले से ही बता के चल रहा हूं, जो हमारा प्रायर टू है वो हमारा से पहले की हिंदी देगा, जी हाँ से पहले की। तो यहां पे क्या कह रहा है, रानी शुड कंप्लीट हर होमवर्क प्रायर टू वॉचिंग टीवी, रानी को टीवी देखने से पहले अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लेना चाहिए, ओके। देखते हैं तीसरा, तीसरा कैसे मैंने यहां पे फ्रेम किया है आपको समझाने के लिए, चलिए देखते हैं। तीसरा हमारा कुछ इस तरीके से है, He called me, उसने मुझे बुलाया prior to cutting his birthday cake, मतलब उसने मुझे बुलाया अपना बर्थडे केक काटने से पहले, ये रहा हमारा prior to, जी हाँ। आपको देखिए एज इट इज मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रही होगी और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल भी होगी। तो चलिए चौथा देखते हैं क्या कहता है, पैसेंजर्स मस्ट, क्या कहता है, देखिए चौथा हमारा क्या है, पैसेंजर्स मस्ट फासन देयर सीट बेल्ट्स प्रायर टू द जर्नी, ठीक है। तो क्या कहता है, पैसेंजर्स को अवश्य अपनी सीट बेल्ट्स को बांध लेना चाहिए प्रायर टू द जर्नी, जर्नी से पहले, यानी कि जब जो जर्नी शुरू होने वाली है उससे पहले फासन देयर सीट बेल्ट्स कर लेना चाहिए, यानी कि बेल्ट कस लेना चाहिए जर्नी शुरू करने से पहले या जर्नी शुरू होने से पहले, ओके। यहां देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारा फिफ्थ वन है, जो कि कुछ इस तरीके से मैंने फ्रेम किया है, लॉक द डोर प्रायर टू लीविंग, जाने से पहले दरवाजा बंद कर दो। जैसे कि आपने ये देखा लॉक द डोर प्रायर टू लीविंग, लीविंग एज अ जेरेंड, हम यहां पे जेरेंड यूज कर रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसा कि मैंने यहां पे आपको पहले बता दिया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो वर्ड बनेगा उसे हम जेरेंड कहते हैं, अदरवाइज नाउन के साथ भी हमने यूज किया है। देखिए ये रहा बाकी पर्टिकुलर चीजें हमने यूज करी, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पे हमारा प्रायर टू का यूज किया है हमने, तो इसी तरीके से आप भी प्रायर टू का यूज करके आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग। चलते हैं दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।